ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਧਮਪਦ 54-55 54 और 55 सावित्री की कथा है। बहुत इंटरेस्टिंग और छोटी सी कथा है। आनंद थेर, आनंद भगवान बुद्ध के तथागत बुद्ध के भाई भी हैं और उनके मैनेजर भी हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था वही देखते हैं, मगर अर्हत नहीं है। तो वो एक जगह शांति में बैठे हुए ध्यान साधना कर रहे हैं और वहीं पास में फूलों का एक बाग है, गुच्छा है। वो ध्यान करते करते महसूस करते हैं कि कभी कभी तो जो फूलों की गंध है वो उन्हें आती है और कभी कभी नहीं आती। फिर वो ध्यान से देखते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि जब हवा चलती है तब तो फूलों की गंध आती है और जब हवा नहीं चलती है तब फूलों की गंध नहीं आती है। तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा होती है कि फूल इतने तीव्र गंध वाले होते हैं फिर भी उसकी जो खुशबू है या जो उसकी बदबू है या जो उसकी गंध है वो चारों तरफ नहीं फैल पा रही है, जबकि ये हवा के साथ बह रही है, ऐसा कैसे हुआ। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, पूरा वृतांत बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि फूलों की गंध चारों तरफ बह जाए और सबको मिले, चाहे हवा चले या ना चले। तब भगवान बुद्ध ये गाथा नंबर 54 और 55 54 और 55 नंबर की कहते हैं, जो इस प्रकार है। न पुप गंधो पटीवात मेती न चंदनं तगर मल्लिका वा सतंच गंधो पटीवात मेती सब्बा दिशा सप्पुरिसो पवायति न पुप गंधो पटीवात मेती। न माने नहीं, पुफ गंधो माने हैं फूल की गंध और पटी मा वात मेती का मतलब है, वात माने होता है हवा और पटी माने होता है प्रति और मेती माने जाती है यानी बहती है। तो फूलों की, कोई भी फूलों की जो गंध है वो हवा के विरोध में नहीं बहती है। इसका मतलब न चंदनंग तगर मल्लिका वा, न चंदनंग, ना ही चंदन की खुशबू और ना ही तगर। तगर एक पौधे का नाम है, एक द्रव्य पदार्थ है जो बड़ा खुशबूदार है, तगर। मल्लिका वा, और मल्लिका बोलते हैं चमेली को, यानी चमेली को या जो तगर का द्रव्य है वो भी हवा के विपरीत में उनकी गंध नहीं फैलती। सतंच गंधो पटी वात मेती, सतंच गंधो यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, सतंच माने सत होते हैं, सत्य होते हैं, सच वाले होते हैं, सज्जन होते हैं। सतंच गंधो पटीवात मेती, उनकी जो गंध है पटीवात मेती, प्रति हवा के बहती है, यानी सज्जन पुरुषों की जो गंध है वो हवा के विपरीत भी बहती है। सब्बा दिशा सब पुरुषो पवायति, सब्बा दिशा सब पुरुषो पवायति, सब्बा दिशा सारी दिशाओं में, सब दिशाओं में। स पुरुषो, स पुरुष का मतलब है सतपुरुष, जो अच्छे सज्जन पुरुष हैं, सब पुरुषो पवायति, और पवायति का मतलब है उनकी सुगंधी फैलती है, हवा चलती है, पवन। पवायति जो बना है वो पवन से बना है, पवनति यानी पवायति, पवति, पव जहां लग गया इसका मतलब पवन से संबंधित हो गया, तो बहती है। तो कहने का मतलब यहां भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि चाहे चमेली की खुशबू है, चाहे तगर की है, चाहे वो फूलों की गंध है, कोई भी गंध हवा के विपरीत नहीं बहती, मगर सज्जन जो पुरुष होते हैं, जो अच्छे सत्पुरुष होते हैं, उनकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में हवा के विपरीत भी फैलती है, सुगंधित होती है, ऐसा वो पहली गाथा में बताते हैं। दूसरी गाथा इस प्रकार है। चंदनंग तगरंग वापी उपलंग अथ वस्सिकी एतेसंग गंध जातानंग सील गंधो अनुत्तरो। चंदनंग तगरंग वापी, चंदनंग तगरंग वापी का मतलब है चंदन है या तगर है, चंदन की खुशबू है या तगर की खुशबू है। वापी मतलब वा माने या और पी माने भी, या भी।
उपलंग अथवस्की। उपलंग जो बोलते हैं वो कमल को बोलते हैं, उपलंग अथवस्की। अथ का मतलब है चाहे हैं इस प्रकार से, और वस्की का मतलब है चमेली का पौधा, चाहे चमेली की है, चाहे कमल की है, चाहे चंदन की है, चाहे टगर की है। एते संग गंध जातानंग, एते संग, एते संग का मतलब है यह सभी, यानी यह सभी जो हैं जातानंग, गंध जातानंग। जातानंग का मतलब होता है पैदा करने वाले, और गंध जातानंग का मतलब है गंध पैदा करने वाले, यानी ये सभी जो गंध पैदा करते हैं, गंध देते हैं। सील गंधो अनुत्तरो, अनुत्तरों का मतलब है जिसका कोई उत्तर ना हो, लाजवाब हो, अदित्य हो, जिसकी कहीं कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई उसका क्वेश्चन नहीं कर सकता, अनआंसरेबल होता है, उसको बोलते हैं अनुत्तरो। यानी कि जो सील गंध है, सील गंध का मतलब है कि जो मनुष्य के अंदर सील और सदाचार की जो खुशबू है उसका कहीं जवाब नहीं है। इन खुशबुओं के आगे ये जो जितनी सारी खुशबुएं हैं सारी फीकी पड़ जाती हैं सील गंध की खुशबू के आगे, ऐसा वो बताते हैं। जैसे पहली गाथा में उन्होंने कहा, गाथा नंबर 54 में, न फूलों की गंध, न चंदन की गंध, या सुगंधित मल्लिका की गंध हवा के विपरीत बहती है, सज्जन की गंध हवा के विपरीत बहती है, सज्जन पुरुष ही गंध सब दिशाओं में बहती है। यह है गाथा नंबर 54 और 55। आप अगर गंध में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पुराने समय में गंध का व्यापार लोग करते थे, वो गंध निकालते थे, खुशबू निकालते थे, दुर्गंध नहीं निकालते थे, सुगंध निकालते थे फूलों वगैरह से, और उसको व्यापारी करके बेचते थे। इस गंध बेचने वाले लोगों को, या गंध का व्यापार करने वालों को, या गंध बनाने वालों को, या गंध को मैन्युफैक्चर करने वालों को, या गंध के जो विशेषज्ञ लोग होते थे उनको गंधी बोलते थे। बाद में ये गांधी के नाम से होने लगा। ये आपको वहीं मिलेंगे जहां पे फूल ज्यादा होते हैं, वहीं ये पाए जाते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे गंधी या गांधी या गंधक लगाते हैं। ये गंधक या गांधी या गंधी वही पुरानी भाषी पाली भाषा का शब्द है जो पुराने लोग पाली के समय गंध का व्यापार करते थे, और ये ईरान तक पूरे गंध का व्यापार भारत से होता था। भारत गंध के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यापारी था, और बहुत लोग पैसे वाले गंध के व्यापार में हुए हैं। आज भी गंध का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, जिसको फ्लोरोसेंट या सेंट बोला करते हैं। अभी तो जो गंध है वो बड़ा अजीब सा शब्द हो गया है, क्योंकि लोग सील की गंध को भूल गए हैं। यानी सदाचार और जो सत्यता है, और जो चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, चकारी नहीं करना, इसकी खुशबू को लोग भूल गए। इसकी खुशबू की उनको जरूरत नहीं है, यानी ईमानदारी की खुशबू को किसी की जरूरत नहीं है। सबको बेईमानी का गंध का सेंट चाहिए, सबको बेईमानी की गंध लगा लेते हैं। शरीर के 22 के 22 अंगों पर लोग क्रीम और सेंट और पता नहीं क्या क्या लेप लगा के अपने आप को सुगंधित करने में लगे हुए हैं। जबकि प्राकृतिक समय में जो सौंदर्य होता था, जो सुगंध होती थी, वो आदमी का सील और सदाचार होता था। जिसमें सील सदाचार होती थी उसमें अपने आप ही सुगंध आती थी। एक प्राकृतिक बात है कि भगवान बुद्ध जहां रहते हैं उसको गंध कुटी बोलते हैं। गंध कुटी, गंध कुटी के यहाँ दो मतलब हैं। एक तो ये है कि जो व्यक्ति सील और सदाचार पे चलता है उसके शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और उनसे शरीर में स्मेल आती है, खुशबू आती है। ये शरीर में जो खुशबू है, आपको अगर कोई नवजात बच्चा, अगर आप नवजात बच्चे को गोद में उठाएंगे तो नवजात बच्चे को अगर आप प्यार करके थोड़ा पास लेके आएंगे तो आप ये देखेंगे कि उससे एक स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, जो बड़ी अच्छी है, जो शरीर की गंध होती है। ये जो शरीर की गंध है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब आदमी पाप कर्मों में चलता है, जब आदमी चोरी चकारी व्यभिचार झूठ और मिथ्या आचरण शराब जुआ अफीम ये सब खेलने लगता है, करने लगता है, तो उसके शरीर में से फिर बदबू आनी शुरू हो जाती है। कहते तेरे मुंह से बहुत बदबू आ रही है तेरे शरीर, तो लोग डिओड्रेंट लगा के इसको दूर दूर करते हैं, या अगर मुंह में आ रही है तो लिस्ट्रिन लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो उसको दूर करते हैं, या शरीर से दुर्गंध आती है कहते हैं तो अच्छे खुशबूदार साबुन से नहा ली तो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा खुशबू से आने लगी फिर बदल जाती है। मगर पुराने समय में जो लोग सील का पालन करते थे, सील में एक कमाल की बात थी कि सील के आचरण से तो सब लोग खिसते ही थे, उसके शरीर से भी बच्चों वाली जो सुगंध आती है, जो प्योरिटी की सुगंध आती है वो रहती थी। भगवान बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसको गंध कुटी बोला करते थे, यानी कि वो इतनी विपस्ना साधन और इतने प्योर थे कि उनकी कुटी में से एक गंध आती थी जो खींचे चले जाते थे लोग उसकी तरफ, उसको गंध कुटी के नाम से पूरी तरफ बोला गया है। और ये गंध कुटी कोई
झूठी बात या कोई ऐसा नहीं है कि इसका कहीं उदाहरण ना हो सके। जिन घरों में सुख और शांति होती है उनके घरों में से एक अजीब सी खुशबू आती है, एक अजीब सी स्मेल आती है। जिन घरों में शराब, जुआ, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, कत्ल, मार काट होता है, उस घर की हर चीज में से बदबू आती है, हर चीज में से ऐसा लगता है कि आग निकल रही है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप इसको देख सकते हैं कि लोग अपने सारे काम अपना घर छोड़ छाड़ के और कहाँ जाते हैं, उन जगह जाते हैं जहां उनको लगता है कि यहाँ हमें मन को शांति मिलेगी। कोई बाग में बैठता है, कोई फुहारे में बैठता है, कोई समुद्र किनारे शांत बैठता है, कोई कहीं एकांत में बैठता है, कोई किसी कमरे में जहाँ खास हो वहां बैठता है, या कोई ऐसी जगह जाता है जहां मन की शांति मिलने का चांस हो, जहां उसे अच्छा लगता है। और इससे भी बड़ा उदाहरण है कि जब मन परेशान होता है तो हम उस आदमी के पास जाना पसंद करते हैं, उस औरत के पास जाना पसंद करते हैं, उस व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं जो मन का सच्चा हो, मन की सच्ची हो, जिसका मन बिल्कुल मृदु हो, बच्चों जैसा हो, जो बिल्कुल भी मन में कड़वाहट ना रखती हो, ना रखता हो, तब हमें वहां शांति मिलती है। इससे भी बड़ा उदाहरण है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हम अपने उस सबसे अजीज को, जो सबसे प्यारा होता है, जो सबसे अच्छा होता है, उसी को हम फोन करते हैं, उसी से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वहां से उसके मन की शांति फोन के द्वारा, उसकी बात द्वारा हमें मिले और हमारा मन भी शांत हो जाए। ये गंध कुटी का बड़ा चमत्कार है। जो लोग विपसना साधना करते हैं उनके घर में अगर आप जाएंगे तो एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशबू मिलती है जो आप महसूस करते हैं, जो बचपन में आपके माँ के पेट से पैदा होते समय आपके शरीर में रही है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।